भैया 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 अरे संजय लेके पहुंचाए जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, जब तक इनके पूरे घर के लोग यहाँ आ नहीं जाएंगे के हमें ईरान देने घर हमें घर में रहे वो चार साहब का मुख्यमंत्री साहब से भी ईरान ने आने खूब के कछु के रहवाया और लो सीधी खबर पहुँचा रहे तब हमें नियम जी ने सब हम लोग पहुँचा सीधी मुख्यमंत्री साहब लोग खबर शिवराज सिंह चौहान लोग और अभी ऐसी मदद बिका गए थे हम मदद कर भी हमें घर में पहुँचो आ जाए कि हर जगह भाई तो हम बात करो जी भोले साहू और जी बता दो रुको जा उतना ढेर धरो भीती बंद कर ले सकने जो देने वाले जो कुछ सामान दो तो हमने सब कुछ ढा दो ये भलवान है तो हमने हर कुछ से ढा दो तो और कल हमने 20,000 रुपये ढा दिए कि अपने कोटा दिए खा रही है कुछ नहीं कर रहा उसका तो उनकी पैसा भर रहा नहीं आप बोलो रास्ता कैसे करे वो तो जी मैं वो सही रहे रोड ठोके वो रिपोर्ट तो पुलिस वाले लिखते नहीं मई जून की गर्मियों में अरे सुनिए तो आप तो इसको घर के अंदर करवा दो आप तो इतनी मदद कर दो कि अपने घर के अंदर चलिए जब बच्ची हुई इसके शरीर में ब्लड नहीं था जहाँ अम्मा का दखल लड़की की ससुराल पे हो जाता वहाँ का होता क्योंकि तुम लोग कुछ भी सलाह देते हो फिर होते झगड़ा मैं कई तो ठीक है हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम अपने घर जाओ अच्छे से अपने बच्चियों का पालन पोषण करो अपने पति के साथ मिलके रहो लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो हम सब साथ हैं हम सब साथ में सारे लोग हैं सब लोग तुम्हारे साथ हैं ठीक है तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो ठीक है माँ के पास बात कर लीजिए भाई साहब अपना संदेश खोल देंगे बोलो जी सर
अपना बस्ती। नमस्ते बेटी, सीधा नाम है आपका? जी साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हमारी बच्ची साहब, हमारी एक वीक बच्ची 6 साल की है। सबू के बाद उन्होंने हमारे घर वाला ने चेकअप करा के 8 महीना को झांसी से वो भी खत्म करवा रहा। अब हमारी तीसरी बच्ची भाई सुबह में घर से बाहर निकाला साहब, हम कहा ले बता, हम फिर रहे थे भटकत, कोई गजु नहीं कर रहा। हम बच्ची भाई सुबह कहा करूँ के लाना साहब बता। सब जने साहब, हमारे ससुर जेठ पति देव सब जने मार मार के बाहर साहब, पूरे घर के बिटिया होती समय दूसरी शादी करने, अपने हाथ की क्या तो है, हम बेटा बना ले उके लाने। हम बच्ची में तो हम कहा करे बता। हाँ कह दे मारो इको मार के मैं दो सौ ला खेले। हम हमारी बच्ची है, हम तो नहीं मारे, हम तो कैसे उन्हें मारे। हमारी बच्ची है, हमारे पेट से उन्हें जन्म ला, हम तो जैसे बने मंगा मंगा के पाले तो पाल ले भी। नहीं बेटी ऐसा करते हैं। जी साहब, हम ऐसा करते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं, हम भी मदद करेंगे और परिवार से भी बात करते हैं आपके, उससे भी कहेंगे कि ऐसा मत करो। हाँ जी साहब, हम घर में रहे वो चाहते अपनी अपनी बच्ची के लोग, हमें ना भी खा भी दे ना पी भी दे, हम अपनी मंगा मंगा के अपने बेचन को अब एक कमरा में जाते, बाहर लेटे बाथरूम जाते अपने, और तो इसे बाहर हम मजा ही पिटी गया, तीन ही जना ने बाहर निकाला था उनने। छतरपुर से? जी साहब, ठीक है, अभी बात करते हैं और इनको भी अर्चना को जी भाई साहब, हम बात करते हैं इनके माँ के पास, सभी लोगों के पास है भाई साहब, हम यथासंभव मदद करेंगे भाई साहब, आप हैं साथ में तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है जी। माँ इतनी दिली भी कर रहा भाई साहब, बस आप साथ में रहिएगा, हम लोग सब हैं इसके साथ। जी 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 भाई साहब, हम सबसे बात कर रहे हैं जी, साहब मम्मी आई थी डिलीवरी के साथ। जी 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 बिल्कुल भाई साहब, मैं बताती हूँ आपको सारा जी जी जी। बहुत बहुत नहीं भाई साहब, ये थाने में बैठी है सिविल लाइन जी। और क्या न्याय दिलाएंगे? जैसे ही मुझे पता चला कि ये सीता साहू नाम की महिला है और इसकी 3 बेटियां हैं और तीसरी बेटी होने पर इसको घर से निकाल दिया गया, वास्तव में बहुत व्यथित कर देने वाली बात है ये। और हमारे संवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह, जिन्होंने हमेशा बेटियों के सम्मान में और जिन्होंने आज महिलाओं की स्थिति जो बहुत ज़्यादा खराब थी मध्य प्रदेश में, जिसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ऐसे प्रयास किए, तो उनका संदेश मैं लेके यहाँ पे आई थी। और जैसे ही हम लोगों ने इसकी बात सुनी कि तो तुरंत आके मैंने इससे मिला, इसने जो मुझे बातें बताई कि पति ने किस तरह से मतलब घर से इसको अलग किया और साथ में इसकी माँ को भी मारा पीटा है ससुराल वालों ने, इनके ससुराल वालों ने, तो वो सारी चीज़ें देख के हम लोग वस्तु स्थिति पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और जल्द से जल्द इनके पति को भी यहाँ बुलवाया गया है ताकि इन दोनों की बातचीत करा के और इनको, क्योंकि इस महिला का मन है कि ये घर पे रहे, अपने इसकी बेटियों को पिता का भी बराबर प्यार मिले, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको घर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो निश्चित है कि हम इनकी बच्चियों का पालन पोषण करें। आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या फोन पर बात की है, क्या कहा? जी, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने वास्तव में एक बेटी के लिए, एक जब उन्होंने वहां पे न्यूज सुनी और उनसे रहा नहीं गया, वो विदिशा में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में थे, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भी उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने इनकी जानकारी मांगी और बात करने की चेष्टा करी। आप उनकी संवेदनशीलता देखिए, तो मैं भी यहाँ आई, मैंने भी इनसे तुरंत बात कराई, भाई साहब ने, शिवराज भाई साहब ने बात करी, इस महिला को पूरा भरोसा दिलाया प्रशासन से बात करने का, परिवार से बात करने का। उन्होंने मुझे भी दायित्व तो दिया कि अर्चना जाके और इस बच्ची के ससुराल वालों से बात करो, पूरी वस्तु स्थिति समझ के मुझे बताओ और इस बच्ची का जहाँ तक भी मदद हो सके, हम सबको इसकी मदद करनी है। वास्तव में उन्होंने जो अपना जीवन का प्रयास किया है महिलाओं के लिए समर्पित, बच्चियों के लिए समर्पित, बेटी है तो कल है नाम का कार्यक्रम चला के उन्होंने जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा के लिए वो हमेशा लगे रहे हैं, वही आज उन्होंने परिचय इसका दिया है। हम सभी इस बिटिया के साथ हैं, इस नवजात बिटिया के साथ हैं, इस महिला के साथ हैं और हम लोग पूरी इसको भरसक प्रयास करेंगे कि इसका परिवार वापस से आबाद हो सके, और नहीं तो हम इस इनकी सब बच्चियों का और इस महिला का पालन पोषण हम स्वयं करेंगे। सीता साहू,
सीता बताओ किस तरह की समस्या लेकर कहाँ आई हो, क्या कैसी प्रताड़ना से प्रताड़क हो? हम अपने घर वालों से परेशान हैं और पुलिस से हम बहुत मदद मांगा लेकिन पुलिस का जो मदद नहीं कर वो हमें एक साल से फैल रहा है भटका भटका। तीन बच्ची हो गई हमारी, सो हमारे घर वाली मार पीट के मार मार के बाहर निकाल कहते के तो बच्ची क्या हुआ बच्ची हो सो बच्ची अपने हाथ की तुम्हारी हम पता है क्या मैं कहाँ हूँ निकालेंगे। अब भी हो गई कैद माए के माए में एक दूसरे सुरा के ले हम अपनी बच्ची कैसे मेक दिया हमने तो जन्म दा इसे हम हमें अपना हमारे नया का हमें अपने घर में रहने हमारी 15 दिन की मोड़ी है एक हमारे छः साल की मोड़ी हम यूँ लेके कितने जाए बता। अब यहाँ पे लिंग तल तो मना तो नहीं है। अब हम बीमारी में खून की कमी हो गई थी सब मम्मियों ने खून चढ़वा हम जैसे तैसे खड़ी भाई उठ के सो अब भी मार पीट के बाहर निकाला उनने। आज क्या हुआ है आपके साथ? आज मार पीट के सब जने मानक लाल साहू ससुर ने और जेठ ने जगदीश साहू ने और देव महन साहू आदि पति पुष्पेन साहू और सास ससुर सब ने मारे और मार के बाहर निकाला कि नहीं राम देने बिटिया हो रही सुतमा। सर एक एसपी ऑफिस में महिला आई थी उसने बताया है कि उसकी बच्चियां लगातार हो रही हैं जिस कारण से ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या मामला है? इन लोगों का विवाद पहले से चल रहा है और पूर्व टीआई विनायक शुक्ला ने भी इनका विवाद हल करवाया था। पुनः विवाद इन लोगों का आपस में मियां बीवी परिवार से है। इनको थाने को बोला है जो भी कार्रवाई हो वैधानिक वो कार्रवाई करें। बच्चियों को बता रहे हैं कि लगातार बच्चियां हो रही हैं। अब ये तो पारिवारिक मैटर चल रहा, बच्ची अभी पैदा हुई 15 दिन पहले जैसा कि आपके सामने का मैटर पुराना चल रहा है तो ये ऐसी बात तो नहीं है।